प्रेत लोक में जितने भी बेताल हैं, उन सभी को सूचित किया जाता है कि ग्रहण लगने में अब कुछ ही पल शेष हैं। इसीलिए जो जो इस ग्रहण से बच सकता हो वो बच जाए, वरना अगले 500 वर्षों तक चमगादड़ बनने को तैयार हो जाए। ये कुवारा ग्रहण योग लगने में गोलू सिर्फ कुछ ही पल शेष है और मस्तिष्क कुमार का कोई कुछ पता नहीं है। मैं हूँ चुई मुई, मैं धागा और तुम सुई। मुझे मस्तिष्क कुमार ने बताया कि तुम मुझसे विवाह करने के लिए व्याकुल हो। चलो ना विवाह कर लेते। चलो अरे ऐसे नहीं, चलो ना खेल, चलो क्यों कर लेते हैं विवाह। ठहरो ना, मेरी बात को सुनो, इससे अच्छा तो मैं राजा भोज की कथा सुनने वहीं चला जाता हूँ। कहाँ गए? तो राजन, स्वयंवर का बिगुल बज चुका था, राजकुमारी चित्रलेखा भी आ चुकी थी, अब समय था निर्णय का। हाँ राजन, ये बिगुल था। राजकुमारी चित्रलेखा का पति कौन बनेगा, इसके निर्णय का, सम्राट विक्रमादित्य के निर्णय का, मार्तंड की अभिलाषाओं के निर्णय का। सही कहा तुमने पिता, पर अब देखना यह है कि सम्राट विक्रमादित्य ने इस विषम परिस्थिति में क्या निर्णय लिया। राजन, राजकुमारी चित्रलेखा ही सम्राट विक्रमादित्य की महारानी बनी, ये सब जानते हैं, किंतु ये सब कुछ संभव हुआ कैसे, ये बड़ा रोचक है। और देवी, अगर आप अनुमति दें तो आगे की कथा मैं सुनाता हूँ, क्योंकि मैं सम्राट विक्रमादित्य का परम प्रिय मित्र हूँ, अर्थात सहबाला तो मैं ही हुआ ना। हाँ देवी, तो आगे क्या हुआ? स्वयंवर में पधारे सभी राजकुमारों, आपका स्वागत है और हमारे महाराज धर्मदत्त की ओर से शुभकामनाएं भी। स्वयंवर की शर्त के अनुसार मंच पर पड़े हुए धनुष बाण से ऊपर के कलश को बेधकर देवाधिदेव महादेव शिव के शिवलिंग स्वरूप का अभिषेक करना है, और इसके लिए प्रत्येक राजकुमार को 3 अवसर प्राप्त होंगे, और जो अभिषेक करने में सफल हुआ उन्हें राजकुमारी चित्रलेखा अपनी वरमाला पहनाएगी। तो अब मैं महाराज धर्मदत्त से स्वयंवर को आरंभ करने की अनुमति चाहता हूँ, और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ डुमराव के राजकुमार कौशलेंद्र राज सिंह को। और अब बारी है ब्राह्मण कुमार मार्तंड की। मित्र, क्या रहा हूं मैं? वचन निभाने का समय आ गया है, याद रखना, देर हम चलेंगे पर लक्ष्य तुम भेदोगे। हमारे मंच पर पहुंचने से पहले अपनी योग शक्ति के द्वारा अपने आप को हमारे शरीर में स्थापित कर दे। ये कैसा धर्म संकट है, राजकुमारी से छल करो या अपने मित्र को दिया वचन तोड़ो। विक्रमादित्य, आप उस समय आ गए आपकी योग शक्ति को प्रयोग करने का।
धन्यवाद महादेव। नहीं विक्रमादित्य, नहीं, मैं मार्तंड हूं, वचन से फिरने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। विक्रमादित्य से बात करने के लिए यहां बैठे सब लोगों पर मेरी सम्मोहन विद्या का उपयोग कर इन्हें बुत बनाना होगा। क्या हो गया है आपको? वचन भूल गए या चूक गई शक्ति? दो बाण विफल हो गए, तीसरा नहीं जाना चाहिए। सम्राट विक्रमादित्य को कुछ पता नहीं था पहले क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जब व्यक्ति द्वंद्व के बीच फंसता है तो उसे कोई सुध नहीं होती, और यही स्थिति सम्राट विक्रमादित्य की थी, क्योंकि वे प्रेम और धर्म के द्वंद्व के बीच फंस गए थे। सम्राट, क्या हो गया है आपको? कहां गए आपके शब्द? मैं अपना नाम भूल सकता हूं किंतु वचन नहीं। अब समझा, वो दावा नहीं केवल छलावा था, और मुझे तो लग रहा है कि राजकुमारी चित्रलेखा के रूप ने आपको मोहित कर लिया है, इसीलिए तो आप बस मार्तंड। हम दुविधा में इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ भी कहो। तय बात पर दुविधा कैसी? हम जो करने जा रहे हैं वह धर्म युक्त है या अधर्म युक्त? राजकुमारी के स्वयंवर के साथ जो छल करेंगे वो हित कर है या अहित कर? सम्राट, धर्म अधर्म हित अहित सोचना था तो वचन देने से पहले सोचना चाहिए था। अभी सोचने का अर्थ है केवल छल। तुम जिसे छल कह रहे हो वो हमारा धर्म है, परंतु इसका प्रमाण तो नहीं दिख रहा है। धर्म का पालन करने वाले पर्वत के समान अडिग होते हैं। संसार भले ही इधर से उधर हो जाए परंतु धर्म के मार से नहीं दिखते। और आप तो निश्चिंत रहो, धर्म पालक, धर्म से कभी हटूंगा नहीं। तो क्या समझूं, तुमने मुझे बना दिया स्वयंवर का विजेता? विजयी वहां है उस कलश पे। क्या सोच रहे हैं ब्राह्मण कुमार? अपने आखिरी अवसर का उपयोग कीजिए। सम्राट, आपके अलावा और कोई हमारा स्वयंवर नहीं जीत सकता, यह हमारा विश्वास है महादेव।
विश्वास बनाए रखिए। और इसी के साथ ब्राह्मण कुमार मार्तंड ने स्वयंवर की शर्त पूरी कर ली है और अब राजकुमारी चित्रलेखा इन्हें वर माला पहनाकर पति स्वीकार करेंगी। चित्रलेखा, पुत्री चित्रलेखा, आगे बढ़ो और अपने जीवन साथी के गले में वरमाला डाल दो। चाहो पुत्री। आगे बढ़ो पुत्री। ये क्या कर दिया राजकुमारी चित्रलेखा ने देवी? हरी सभा में स्वयंवर का अपमान कर दिया? नहीं राजन, राजकुमारी ने स्वयंवर का अपमान नहीं बल्कि सम्मान किया है। पहली बार किसी ने स्वयंवर को सही अर्थों में परिभाषित किया। मर्यादा और नियम का उल्लंघन करके? राजन, जहाँ ये घटना घटी वहाँ क्या था? स्वयंवर। और स्वयंवर का अर्थ क्या होता है? स्वयं से वर चुनना, अपनी पसंद से, अपनी पसंद का। और राजकुमारी चित्रलेखा ने वही किया। उन्हें वर के रूप में जो पसंद आया उन्होंने उसी के गले में वरमाला डाल दी।
और वो जो स्वयंवर की शर्त थी वो उससे स्वयंवर में भाग लेने वाले बंधे थे, वो नहीं बंधी थी क्योंकि शर्त उन्होंने नहीं रखी थी। क्या हो गया बेताल, तुम फिर आ गए कथा में विघ्न डालने? क्या करूं देवी, मेरे सर पर दो दो तलवारें लटक रही हैं। एक तो कुछ ही पलों में कुंवारा ग्रहण योग लग जाएगा, अगर उसके पहले मैंने सगाई नहीं की तो 500 वर्षों तक मुझे चमगादड़ बनकर रहना पड़ेगा, और अगर मैंने सगाई की तो वो भयानक छुई मुई मेरे गले पड़ जाएगी। राजा भोज, आप तो स्वयं को बुद्धि का भंडार समझते हैं ना, तो अपने भंडारे में से थोड़ा खर्चा कीजिए और बताइए कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। स्थिति तो गंभीर है, पर मुझे लगता है कि आपको सगाई कर लेनी चाहिए, चमगादड़ बनने से तो बेहतर है ना। सत्यवचन, सत्यवचन राजा। देवी, मैं जा रहा हूँ और ये सिंहासन आपकी सुरक्षा में सुरक्षित रहेगा, इसे बैठने मत दीजिएगा। हाँ देवी, एक मित्र है बेताल और एक तथा कथित मित्र है मार्तंड। मार्तंड सम्राट विक्रमादित्य को विवश कर सकता था, किंतु राजकुमारी चित्रलेखा को नहीं। इसलिए राजकुमारी चित्रलेखा ने सम्राट विक्रम को वर चुनकर सही किया, परंतु ऐसा कर कि उन्होंने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया। आपका संकेत अधिकार का है, ना कि राजकुमारी पर किसका अधिकार होगा, मार्तंड का या सम्राट का। सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल सही कहा देवी। यही प्रश्न उस दिन राजसभा में सभी के समक्ष था। महाराज धर्मदत्त, यह आपका कैसा स्वयंवर है? स्वयंवर की शर्त कोई और पूरी करता है, वरमाला कोई और पहनता है, कन्या का पति कोई और बनता है। यहां उपस्थित सभी जन सुन लीजिए, चाहे वरमाला राजकुमारी ने किसी के गले में पहनाई हो, पत्नी केवल हमारी है, हमारी है, हमारी है, उस पर केवल हमारा अधिकार है, अन्य किसी का नहीं। ब्राह्मण कुमार मार्तंड, कृपया शांत हो जाइए और हमारी बात ध्यान से सुनिए। जब इस स्वयंवर की शर्त को आपने पूरा किया है तो निश्चय ही हमारी पुत्री चित्रलेखा का विवाह केवल आपके साथ ही होगा, आप ही वर होंगे, आप निश्चित रहें। ये अपनी पुत्री से वरमाला हमारे गले में पहनाए। देखो पुत्री चित्रलेखा, तुम्हारे हाथों यह घोर अनर्थ हो गया है पुत्री, तुम्हें यह भूल सुधारनी होगी। इस वरमाला को उतार कर कुमार मार्तंड के गले में डालनी होगी। पिताश्री, हमसे कोई भूल नहीं हुई है। स्वयंवर का अर्थ होता है स्वयं की इच्छा से वर का चुनना, और हमने वही किया है। यही हमारा अटल निर्णय है और हमारा यही अंतिम निर्णय होगा। पुत्र चित्रलेखा, नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं होने दूंगा मैं ये। चित्रलेखा पर केवल मेरा अधिकार है, केवल मेरा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।